लिसनर्स, वेलकम टू सिटी स्काईलाइंस 2। 3-4 महीने के वेट के बाद फाइनली सिटी स्काईलाइंस के डेवलपर्स ने गेम रिलीज कर दिया, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप वही सपोर्ट सिटी स्काईलाइंस 2 को भी दिखाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू गेम, आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पे काफी सारे हमारे सामने मैप्स है, कौन सा वाला मैप सेलेक्ट करें? माउंटेन विलेज मैप गाइस कैसा रहेगा? ये वाला मैप अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर -12 to -27 डिग्री सेल्सियस है, वाव, और 21% बिल्डेबल एरिया है, तो यही वाला आई थिंक मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। माउंटेन्स के बीच में सिटी काफ़ी प्यारी लगेगी। सो मैप सेलेक्ट कर लिया मैंने, सिटी को नाम देना पड़ेगा। सिटी को मैं स्नो लैंड ऐसा नाम देना चाहूँगा, स्नो सिटी या स्नो लैंड या स्नो सिटी, एंड लेट्स स्टार्ट द गेम। लाइक करो दिस वीडियो को अगर आप ट्रू सिटी स्काईलाइंस फैन हो। एंड ये गाइस हमारी पहली सिटी स्काईलाइंस 2 की सिटी तैयार हो रही है, जो कि तैयार हो चुकी है, एंड जस्ट लुक एट दिस, वाओ, यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्नोई माउंटेन्स है गाइस। जब यहाँ पे गेम स्नोफॉल होगा ना, तो भाई बहुत ये प्रिटी लगेगा हमारा सिटी। तो अभी सबसे पहले अपना सिटी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहली जो हमारी सिटी रहेगी वो आई थिंक नदी के किनारे मुझे बिल्ड करनी चाहिए, मे बी ये वाला पार्ट बेटर रहेगा। हाँ, सबसे पहली गाइस सिटी आज मैं ये वाले पार्ट में बिल्ड करूंगा, तो या बिल्डिंग का काम शुरू कर देते हैं। या तो रोड्स में, यहाँ पे मुझे मीडियम रोड में ये वाला रोड चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ से जो रोड है इसको थोड़ा सा लेके यहाँ से हम इसको कर्व करके इधर लेके जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। इधर एक नया एक्सेस हो जाएगा और यहाँ से मुझे 11 एक्सपी मिल गई। ओह, अभी एक्सपी वगैरह भी मिल रही है गेम के अंदर, ओके, ये नया कंसेप्ट है मेरे लिए तो, बट ठीक है, एक्सपी अभी हमको 11 एक्सपी मिल गई। ये मैंने रोड भी बना दिया। एंड गाइस अभी ना आपको मैं एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं रोड्स में यहाँ पे ये ग्रिड्स वाले ऑप्शन में आता हूँ ना, तो अगर मुझे ग्रिड्स बनाने हैं तो पहले हमको भाई एक एक रोड बना के पूरा ग्रिड बनाना पड़ता था, बट अभी ये वाला जो ऑप्शन है बहुत कूल है। अगर मुझे यहाँ से इधर एक ग्रिड बनाना है तो देखो कितना इजी है, जस्ट लाइक दिस। मुझे बस ये करना है और अपना पूरा मैं चाहे उतना बड़ा ग्रिड बना सकता हूँ। एक सेकेंड, ये इतना नहीं बड़ा बनाना है, छोटा ही बनाना है। तो सबसे पहला आई थिंक इतना ठीक है, ये मैं गाइस पहला ग्रिड बना दिया, 67 मुझे एक्सपी मिल गई और ये ऑटोमेटिकली बन गया। पहले हमको भाई एक एक जगह पे ना ये बनाना पड़ता था, एंड फिर इसके बाद अभी ना हम राउंड बाउट्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर मैं राउंड बाउट के सेक्शन में आता हूँ तो मुझे बस यहाँ पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पे फिर राउंड बाउट क्रिएट हो जाएगा। और राउंड बाउट्स का ये फायदा होता है कि उससे ट्रैफिक ज़्यादा जैम होता नहीं, लोग ईजिली सरपास करके इधर उधर जा सकते हैं। तो मैं बीच बीच में 1, 2, 3, 4 और 5, ये मैंने 5 राउंड बाउट्स यहाँ पे लगा दिए। एंड नाउ इसके बाद मुझे अभी मेन रोड को सिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कर्व करके मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ तक आएगा और कनेक्टेड एयर होवर, नाइस। ये मैंने गाइस पहला रोड कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमारी सबसे पहली सिटी बनेगी। तो मैं जल्दी से अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया मार्क कर देता हूँ, यूरोपियन स्टाइल थीम होगा ये, तो यहाँ पे अपना स्मॉल रेसिडेंशियल एरिया इधर इधर बनाते हैं। आई थिंक सबसे पहले इतने ही बनाते हैं, एंड एक कमर्शियल जोन ये यहाँ पे बनाते हैं। इधर एक कमर्शियल एरिया रहेगा और एक इधर रहेगा। तो मैंने गाइस रेसिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया मार्क कर दिए, और देखो लोगों ने घर बनाना शुरू भी कर दिए। और इस टाइप मतलब इस बार ना एनिमेशन थोड़ा अलग है, आई मीन एकदम रियलिस्टिक है ये, थोड़ा ऐसा ही रियल लाइफ में चीज़ें बनती है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वी अपोलाइज फॉर डिस्टर्बेंस इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओ वेट 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 गाइज, अभी लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया तो लोगों को अभी पावर चाहिए, वाटर चाहिए और सीवेज का भी इशू हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, गेम को पॉज कर देते हैं, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रिकल केबल, ये पावर लाइन, ओ भाई ये एकदम रियल लाइफ की तरह पावर टॉवर्स है ये, ठीक है। फिर अपना ये ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, हाई वोल्टेज करंट कमिंग थ्रू पावर प्लांट टू लो वोल्टेज, ओके, तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करेगा, बट अभी के लिए तो इतने पैसे है नहीं। एक विंड मिल हम लगाएंगे, $25,000 में बन रही है, तो विंड इधर से आ रही है, तो आई थिंक विंड मिल मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए, नहीं इधर नहीं, इधर लगाते हैं, ठीक है, नदी के एकदम किनारे। ये मैंने यहाँ पे विंड मिल एक लगा दी $25,000 में, एंड देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता भी है इसके अंदर जाने का, वाओ, ये काफ़ी प्रिटी है भाई। मेरे को ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स बहुत अच्छी लगती है इन गेम्स के अंदर। तो भी सबसे पहले अभी ना मैं इस को कनेक्ट कैसे करूँ। हाँ भाई, मैं एक चीज़ तो आपको कैसे बताना भूल गया, अभी इस बार सिटी स्काईलाइंस 2 में ना जो हम पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से तार जोड़ते थे घरों से, बट अभी वैसा नहीं है। अभी सारे जो कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वो ऑटोमेटिकली रोड के थ्रू ही हो जाते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो मैं ये जो केबल है ये यहाँ से बस रोड से कनेक्ट कर दूंगा, जो कि देखो अभी आपको रोड के अंदर ये वायर दिखाई दे रही होगी, वो ऑटोमेटिकली सिटी से कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक कनेक्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एक बार गेम को ऑन करके देखते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का गाइस कनेक्शन आ चुका है, देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन जोड़ दी, अपने विंड टरबाइन से आ रही है, जो कि इस बार थोड़ा अलग कनेक्शन है। एंड उसके बाद अभी मुझे पानी का भी कनेक्शन देखना पड़ेगा। पानी के लिए एक वाटर पंपिंग स्टेशन है जो कि मैं इसके साइड में ही लगाऊंगा। यहाँ से मैं अपना पानी कहाँ पे लगा इसको, हाँ इधर ही लगा दे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पंपिंग स्टेशन लगा दिया। वाटर इज फ्लोइंग, देयर विल बी फ्रेश वाटर सून, ये मेरे को बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ना लिख के सारी चीज़ें आ रही है, और देखो अपना वाटर पंपिंग स्टेशन क्या रियलिस्टिक है, काफ़ी प्रिटी सा है। यहाँ पे दो पंपिंग मतलब पंप्स है, और उसमें एसी वगैरह भी लगा है। भाई क्या डिटेलिंग की है, वेरी नाइस, ये बढ़िया लग रहा है दिखने में। फिर इसको भी आई थिंक वाटर पाइप नॉट कनेक्टेड, ओ इसको भी पानी की वगैरह ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आई थिंक मुझे इसको भी रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको रोड से कनेक्ट कर दिया तो इसको इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज रोड के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन मिलता है लोगों को। तो यहाँ पे मैं ये छोटा सा रास्ता, टू लेन रोड, यार इससे छोटा रोड नहीं है, कोई नहीं। फिर यहाँ पे मैं छोटा सा रास्ता बना देता हूँ जस्ट लाइक दिस। अबे यार यहाँ पे तो रोड ही नहीं बन रहा, यहाँ से आई थिंक बन जाएगा। अरे बीच में वो इलेक्ट्रिकल लाइन्स आ रही है, क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? शिफ्ट करना है तो ओके मैं कर सकता हूँ शिफ्ट। एक काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ पे लगा लेता हूँ फिर, ठीक है। मैंने इसका गाइस लोकेशन चेंज कर दिया, फिर अभी आई थिंक मैं यहाँ से रोड इजीली बना पाऊँगा। ओके आई थिंक ओके बन गया, इजीली रोड बन गया। और फिर मुझे इस रोड को भी मेन रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट कहाँ पे करूँ मैं? एक काम करते थोड़ा सा, मैं यहाँ से कर्व करते ऐसा थोड़ा सा, ये नहीं इधर से नहीं, यहाँ से एक सेकेंड ऐसा सीधा लेके आता हूँ मैं, और फिर सीधा ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। ओके ये मैंने गाइस वाटर पंप को भी कनेक्ट कर दिया। अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पानी वगैरह आई थिंक मिल जाएगा, वाटर पंप को भी पानी देने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद सीवेज का इशू आ रहा है, एक सेकेंड उसको भी जल्दी से लगा देता हूँ मैं। या सीवेज आउटलेट, ये वाला आउटलेट आई थिंक मुझे इधर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम पानी पंप कर रहे हैं तो गंदा पानी तो पंप नहीं होना चाहिए ना, लोगों के घरों में चला जाएगा। तो ये सीवर्स आई थिंक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, कि मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। और इसका भी इस बार पाइप अलग है भाई, ये सही है। तो फिर इसको फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मैंने कर दिया कनेक्ट, और ये आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो गया क्या सॉल्व सीवेज का? हो गया सॉल्व, लेट्स गो। लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए मैंने, एंड देखो कितने सारे नए घर बन रहे हैं। इधर अपना पूरा कमर्शियल एरिया है और अंदर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। और गाइज आई एम सो सॉरी फॉर द ग्राफिक्स, क्योंकि जो सिटी स्काईलाइंस 2 डेवलप हुई ना गेम, इसको काफ़ी मतलब काफ़ी हाई एंड वाला तगड़ा पीसी चाहिए। मेरा है बट आई थिंक मीडियम रेंज में आता है मेरा, सो आई एम सो सॉरी फॉर द ग्राफिक्स। बट मैं कोशिश मैंने करी है ऑप्टिमाइज करने की, बट स्टिल आई एम सो सॉरी फॉर द ग्राफिक्स यार। अगर मैंने हाई ग्राफिक्स कर दिए तो लैग बहुत ज़्यादा आ जाएगा और फिर गेम प्ले अच्छा नहीं होगा। सो दैट्स वाई यही ग्राफिक्स के साथ आपको देखना पड़ेगा। लगभग मैंने $80,000-$90,000 स्पेंड कर दिए इतना सा बिल्डअप करने के लिए, बट अभी तक कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ यार। पॉपुलेशन अभी भी जीरो दिखाई दे रहा है, लोग क्यों नहीं आ रहे सिटी में? आई थिंक मुझे गाइस थोड़ा सा ना गेम को और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ नहीं है। जब तक लोग घर नहीं बनाएंगे तब तक नए लोग आई थिंक यहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगे। तो मैं गेम का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि एक दो घर तो जल्दी से बन जाए। सबसे पहला जो घर बनेगा वो मेरा घर रहेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे मैं अपना उसको नाम दे दूंगा, ताकि मुझे याद रहे हमने यहाँ से गेम शुरू किया था। अभी देखते हैं इनमें से सबसे पहला घर कौन सा लग रहा है, आई मीन कौन सा बन रहा है। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं। यस ये घर सबसे पहले बना है, गेम को नॉर्मल कर देता हूँ स्पीड। ये सबसे पहला घर बना है, तो इसको मैं वैभव हाउस इसको मैंने नाम दिया है, ताकि मुझे याद आ सके कि यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये अपना सिटी का सबसे पहला हाउस है जिसको मैंने वैभव हाउस नाम दिया है, ताकि मुझे याद रह सके कि भाई यही से हमारी गेम की शुरुआत हुई थी। और इस बार ना इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी प्यारी बनाई है हाउस के लिए, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये यार, काफ़ी स्वीट से और प्यारे से घर है। और ये सारे जो घर है वो यूरोपियन थीम है, मतलब ये हमने यूरोपियन थीम अप्लाई किया है, दैट्स वाई ये सारे जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे यूरोपियन थीम के हिसाब से बने। और इधर अपने कमर्शियल एरिया है, ये कौन सा किस चीज़ का दुकान है, फर्नीचर स्टोर है ये, विक्टोरिया फर्नीचर स्टोर। फिर ये रेंटल फिल्म रेंटल फिल्म फाइल रेंटल, ये क्या होता है पता नहीं। फिर ये अपना कुकीज़ शॉप है। फिर ये वाला अपना पेट्रोल, ओह ये गैस पंप है क्या भाई, ये भी बढ़िया है। फिर इस बार फिर हम गैस भी बेचेंगे फिर लोगों को ऑयल वगैरह, पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, पहले तो गाड़ियाँ ऐसे ही चलती थी विदाउट एनी गैस पेट्रोल वगैरह। ये अपना हार्ड कॉपी बुक स्टोर है, बहुत बढ़िया। और ये अपना विंग्स बैग पता नहीं क्या है। और यहाँ पे टोटल 10 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, अभी 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और भाई मतलब काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है, ये अपना सबसे पहला गैस स्टेशन बन गया। वाओ मैंने जो गेम खेला ना पंपिंग सिमुलेटर 2, उसमें भी ऐसा ही गैस स्टेशन है एग्जैक्टली। फाइनली गेमर्स लोगों ने सिटी के अंदर आना शुरू कर दिया। ये कहाँ पे वैसे जा रहा है, डेस्टिनेशन 81 ग्लेड स्ट्रीट। ओ ये ओके ये वाले घर के अंदर गाइज
मैं सबसे पहला बंदा शिफ्ट हो गया और एक और गाड़ी आई है। ये वाला कहाँ पे जा रहा है? विक्टोरिया स्ट्रीट आई थिंक। ओके, ये वाले घर के अंदर। ओ भाई, और इस बार ना लोगों की गाड़ियाँ काफ़ी प्यारी है। अगर मुझे इसका सिनेमैटिक व्यू देखना है तो जस्ट लुक एट दिस, ये नैनो की तरह लग रही है भाई, बहुत क्यूट लग रहा है, ये GTA की तरह ग्राफिक्स लग रहे हैं। अभी तो 8 लोगों की पॉपुलेशन हो गई। और एक और देखो यहाँ पे, ये इसके घर के अंदर जा रहा है। क्या मैं घर के अंदर के व्यूज़ दे सकता हूँ? नहीं यार, हम घर के अंदर के व्यूज़ नहीं देख सकते। बट गाइस देखो घर के ऊपर क्या डिटेलिंग की है, सोलर पैनल्स लगे हैं। वाह यार, काफ़ी प्यारा है। और देखो पीछे भी आराम करने के लिए आपको यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह ही है। ये क्या चीज़ है? वो इसके पास बाइक है, मतलब इस गेम में लोगों के पास अभी बाइक्स भी है। पहले आई थिंक बाइक्स नहीं होती थी, पहले स्कूटीज हुआ करती थी भाई। सही है, ये आई थिंक बुलेट के काइंड ऑफ बाइक है। और देखा इसने इसको पार्क करा, ये आई थिंक किसी शॉप में जा रहा है। कुकी, ओके कुकी बाय करने के लिए जा रहा है आई थिंक। एक बार देखते हैं क्या मैं, यार मुझे बस ये देखना है कि क्या मैं शॉप के अंदर के व्यूज़ देख सकता हूँ। अभी हम ना इसको फॉलो करेंगे, देखते हैं कि ये कहाँ पे जा रही है। वैसे इसका नाम क्या है? मानगस पोर्टर। ओके, हाउस होल्ड है ये, एम्प्लॉयर। ओके, ये फर्नीचर शॉप में काम करता है। ओके, ये फर्नीचर शॉप में काम करता है। ओके, तो ये अपना बाइक पे फर्नीचर शॉप के अंदर जाने के लिए आया था। ओ फर्नीचर शॉप का नाम है ओ फर्नीचर। भाई तो यहाँ पे काम करता ना ये तो यहाँ पे आके बैठ गया बट ठीक है, एनिमेशन गाइज मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। अभी अपनी सीढ़ी दिखने में या थोड़ी सी अच्छी लग रही है, डेवलप हो गया है भाई, बहुत सही लग रहा है। अभी वैसे अपना इनकम बिल्कुल भी नहीं है यार, मतलब कितने पैसे आ रहे हैं अभी तो हम माइनस में ही चल रहे हैं। थोड़ी सी मेरे को XP ऑल मिल गई। ये फाउंडिंग का क्या है? रोड्स, माइलस्टोन्स, अचीवमेंट। ओ टाइनी विलेज, स्मॉल विलेज, यहाँ पे आई थिंक हमको पैसे मिलेंगे। अगर स्मॉल विलेज हो गया तो $7,00,000 मिलेंगे, फिर $8,00,000। ग्रैंड विलेज पे $1,000,000, फिर हम लोन वगैरह ले सकते हैं। प्रोडक्शन पैनल, पॉलिसीज, नेचुरल डिजास्टर, लार्ज सिटी। भाई कितनी सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी तो हमने जस्ट गेम को शुरू किया है, अभी आई थिंक मुझे थोड़ा सा और डेवलपमेंट एरिया करना चाहिए। काम करते हैं इधर भी गाइस, मैं थोड़ा सा ना और रेजिडेंशियल एरिया बना देता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी सी और हम नई सिटीज़, आई मीन नए हाउसेस बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी गाइस मैंने थोड़ा सा और रेजिडेंशियल एरिया मार्क कर दिया, जहाँ पे अभी थोड़े से और लोग घर बना देंगे। हेल्थ केयर वगैरह तो अभी तक अनलॉक हुआ नहीं है, इसके लिए मुझे टाइनी विलेज करना पड़ेगा। और टाइनी विलेज के लिए मुझे आई थिंक इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मेरे को थोड़ी सी और XP चाहिए, फिर अपना टाइनी विलेज अनलॉक होगा। और XP के लिए मुझे रोड्स वगैरह और बनाने पड़ेंगे। फिर एक काम करते हैं, मुझे अगर और थोड़े से रोड्स बनाने, फिर एक छोटा सा रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ना बना दूँ मैं। इधर अगर अपने सारे लोग काम कर रहे हैं, अपना रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में भी इधर सही रहेगा। बट यार ये सिटी से ना दूर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इधर की तरफ गाइज मैं इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से ना रोड के कनेक्शंस बना लेता हूँ। क्या मैं यहाँ पे इंडस्ट्री रोड्स बना सकता हूँ? आई थिंक अभी उसका एक्सेस नहीं होगा। और इस गेम में ना हम बाद में रोड्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब पहले की तरह हमको रोड को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये 4-lane हाईवे इधर से मैं लेके जाऊँगा, ऐसा सीधा यहाँ तक आएगा। एक सेकेंड, सीधा बनाना है मुझे सबसे पहले। ओके, ये बन गया सीधा। एंड फिर यहाँ से ये ऊपर आएगा, यहाँ से मैंने इसको ब्रिज बना के हम थोड़ा सा सामने की तरफ लेके आएंगे, जस्ट लाइक दिस। और फिर इधर से मैं इसको कर्व करके उस तरफ लेके जाऊँगा, आई थिंक यहाँ तक। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ तक आ रहा है, तो ठीक है। ये गाइस मैंने यहाँ पे ब्रिज बना दिया, जो कि हमारा इस तरफ इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा। सबसे पहले छोटी इंडस्ट्री बनाते हैं, मुझे इसके लिए भी ग्रिड बनाना होगा। ये मेरे को गाइस बहुत बढ़िया लगा, ये ग्रिड का ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री कैसे बिल्ड होती है, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ से यहाँ तक आई थिंक ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा गाइस। ये मैंने यहाँ पे एक और ग्रिड बना दिया अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। और फिर इसके बाद मुझे ये आई थिंक ब्रिज को वापस कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इस रोड को मैं वापस इंडस्ट्रीज से कनेक्ट कर देता हूँ, ग्रिड ऑफ कर दे यहाँ से, स्ट्रेट रोड एंड कनेक्ट इट ओवर हेयर। ओके, ये अपना मैंने इंडस्ट्री का रोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया गाइज मैं मार्क कर देता हूँ, ये आते इंडस्ट्रियल जोन में। सबसे पहले थोड़ी इंडस्ट्रीज बनाते, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और एक इधर रहेगा, आई थिंक 4 ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज और बना दिए। और फिर मुझे लग रहा है मुझे इसको मेन हाईवे से भी कनेक्ट, नहीं मेन रोड से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक लोग इधर से आएंगे, या मैं कर दूँ इधर से भी कनेक्ट। अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी इधर के जो लोग हैं वही तो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। बट मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है कि ना सारा ट्रैफिक फिर अपने सिटी से ही, आई मीन मेन रेजिडेंशियल एरिया से ही वहाँ पे चला जाएगा, तो वो चीज़ नहीं चाहता मैं। आई थिंक ना मुझे गाइज एक रोड का कनेक्शन करना ही पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं,
यहाँ से भी फिर अपना एक रोड सीधा इंडस्ट्री के लिए जाएगा, मतलब फिर यू नो इधर रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर से बस वही लोग आएंगे जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो फिर मैं यहाँ से ये रोड अपना यहाँ से इंडस्ट्री के लिए जाएगा, फिर ऐसे इधर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने गाइज इंडस्ट्री वाले रोड को भी कनेक्ट कर दिया, और बीच में हम कुछ और बनाएंगे, जैसे कि उन्होंने हेल्थ केयर वगैरह, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने ये इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जाने के लिए भी एक अलग सा रोड बना दिया। और वैसे अभी तक कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड हुई नहीं है, एक बार काम करते गेम का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, फिर देखते कौन सी इंडस्ट्रीज बनती है। ये मीट फैक्ट्री है, ऑलमोस्ट मीट फैक्ट्री ये बन के तैयार हो चुकी है। वी आर इज योर बिजनेस रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज, भाई ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये इंटर ओर डिजाइंस, फिर ये मैंशन जी आर टिक स्टूल, माइलस्टोन अनलॉक हो गया टाइनी विलेज का, हमको अभी $600,000 का रिवॉर्ड मिला है और 3 चीज़ें आई थिंक अनलॉक हुई है। यहाँ पे अपना पैनल देखते देखा, अभी मैं लगभग $100,000 तक का लोन ले सकता हूँ, एंड काफ़ी सारी आई थिंक चीज़ें अनलॉक हो गई है। हेल्थ केयर अनलॉक हो गया, यस, गार्बेज मैनेजमेंट अनलॉक हो गया, लैंडफिल अनलॉक हो गया, और सेमेट्री अनलॉक हो गया। और ये देखो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज सेट हो चुकी है, भाई ये धुआं क्या सही लग रहा है, आई मीन अच्छा नहीं है बट ये दिखने में तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। एनिमेशन काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रीज बन गई है। ये वैसे कौन सी फैक्ट्री है, बेंटजेल, क्या बनता है यहाँ पे पता नहीं। ये यहाँ पे ना पॉल्यूशन वगैरह भी काफ़ी सारा होगा, तो मुझे इसका भी गाइस ध्यान रखना पड़ेगा। बट अभी अपना हेल्थ केयर वगैरह आ चुका है, तो मुझे गाइस अभी ना यहाँ पे हेल्थ केयर की वगैरह भी चीज़ें मतलब बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भी फोकस करते हैं अपने हेल्थ केयर के ऊपर। हेल्थ केयर के लिए अपना मेडिक्लिनिक है, तो मेडिक्लिनिक आई थिंक सिटी के जस्ट इधर ही लगाते, हाँ इस तरफ लगा दे, ठीक है एग्जैक्टली यहाँ पे, ताकि अपने सारे लोग इसका मतलब यूज़ कर पाए। तो ये यहाँ पे $60,000 में मैंने एक मेडिक्लिनिक बना दिया। लेट्स सी ये कैसा है, पहले हॉस्पिटल हुआ करता था छोटा सा क्लिनिक, भाई सही है, इसका भी ना डिटेलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। मैंने एक चीज़ अभी भी नोटिस करी है, इसका एक अलग पार्किंग भी है, तो इस बार ना गाइज पार्किंग का में भी ज़्यादा इशू नहीं होगा। पहले जो बहुत ज़्यादा इशू होता था ना, लोग कहीं भी अपनी गाड़ियाँ पार्क करते थे, वो भी इस बार तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, क्योंकि पार्किंग का काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे गार्बेज मैनेजमेंट भी करना है। लेकिन एक सेकेंड, अपने सिटी की पॉपुलेशन 42 लोगों की हो चुकी है, भाई बहुत सही, काफ़ी सारे नए लोग अपने सिटी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो मैंने नया रेजिडेंशियल एरिया बनाया था भाई, पूरा फिल हो गया, मतलब काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो गए। और मैं ना एक और चीज़ करना चाहता हूँ, ये जगह पे मुझे एक राउंड अबाउट लगाना है मेडिक्लिनिक के जैसे यहाँ पे, बट यार अभी मैं लगा नहीं पाऊँगा यहाँ पे, हाँ यार आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, बट ठीक है, फिर यहाँ पे भी नहीं लगा सकता मैं, यहाँ लगा सकता हूँ, आई थिंक यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओ बट वो दुकान हट गया उधर से, अरे जहाँ पे राउंड अबाउट होता है ना, वहाँ पे आई थिंक मुझे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके। नहीं तो यहाँ पे जब मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना ट्रैफिक का, तब मैं उसको देख लूँगा। फिर हेल्थ केयर एंड डेथ केयर, डेथ केयर की भी गाइस अभी एक बिल्डिंग अनलॉक हो चुकी है, डेथ केयर आई थिंक बनाना ही पड़ेगा, बट यार काफ़ी महंगा है, $114,000 का ये सेमेट्री। अभी तो आई थिंक सेमेट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए यार $100,000 है, बट मेरे पास पैसे तो है, मैं बना सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये अपना एक लैंडफिल बनाते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो इसको कहाँ पे बनाऊँ मैं, ये आई थिंक सिटी से गाइस दूर बनाना चाहिए। और इस बार ना गार्बेज जो है वो एक ही जगह पे डाला जाएगा, ये जो जहाँ पे हम लैंडफिल बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से लैंडफिल मैं इधर बना सकता हूँ, हाँ इधर गाइस ये वाले कोने में आई थिंक अपना लैंडफिल बन जाएगा। तो काम करते इंडस्ट्री से हम यहाँ पे एक सीधा रोड लेके आएंगे, जस्ट लाइक दिस, इंडस्ट्रीज से ये रोड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके इसको यहाँ पे और एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे ऐसा, एंड यहाँ पे अपना लैंडफिल लगेगा। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ अभी, जस्ट लाइक दिस, बीच में एकदम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लैंडफिल को सिलेक्ट कर लिया, एंड गेमर्स इस बार हम अपने हिसाब से लैंडफिल का एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा सिटी के पास नहीं, यहाँ से इधर, एंड ये हो जाएगा परफेक्ट। ये गेमर्स हमने लैंडफिल का एरिया भी सिलेक्ट कर लिया, पहले तो भाई ऐसा नहीं होता था, बट इस बार ना एरिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया मैंने लैंडफिल के लिए सिलेक्ट कर दिया है। और इसको मैंने सबसे पहले अपने मेन सिटी से कनेक्ट करा था, बट इसका मैंने बाद में लोकेशन चेंज कर दिया, क्योंकि पहले एरिया छोटा बढ़ रहा था, बट अभी एरिया काफ़ी बड़ा हो गया है। और देखो मैंने यहाँ से ही कनेक्शन भी कर दिया, एंड अभी मुझे एक कनेक्शन सिटी से भी करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे सिटी का भी कचरा आए, नहीं तो भाई
बस इंडस्ट्री का ही कनेक्शन वहाँ पे रहेगा। ये मैंने रोड के कनेक्शंस कर दिए अपने लैंडफिल के लिए, अपने मेन सिटी को भी कनेक्ट कर दिया एंड सिटी की पॉपुलेशन देखते देखते 71 लोगों की हो चुकी है। लैक ऑफ लेबर, ओ थोड़ा सा गाइज लेबर का इशू हो रहा है। आई थिंक मुझे थोड़े से गाइज और रेजिडेंशियल एरियाज बनाने पड़ेंगे क्योंकि यार अभी भी जस्ट गेम शुरू ही हुआ है और लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा लेबर का इशू आ रहा है और मेरा गेम अभी से ही लैग होना शुरू कर दिया है भाई। ये गेम को ना बहुत अच्छे ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत है, मेरा है बट वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। और वैसे अभी भी हम माइनस में ही चल रहे हैं। एक बार अपना देखते हैं किसके ऊपर कितना पैसा खर्चा हो रहा है। टैक्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से 8,000। अरे नहीं, रेवेन्यू अपना पॉजिटिव ही है, $71,000 अभी हमको मिल रहे हैं आई थिंक वीकली। और मंथली बैलेंस अपना माइनस में ही चल रहा है। सबसे एक्सपेंसेस ज़्यादा किसके ऊपर कर दिया मैंने, सर्विस अपकीपर्स, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और आई थिंक मैं यहाँ से ना अपने हिसाब से टैक्सेशन अभी तो मैं बढ़ा नहीं सकता, इसके लिए आई थिंक मुझे कुछ अनलॉक करना पड़ेगा। लोन वगैरह अभी हम ले सकते हैं बट अभी तो हमको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा अपने सिटीजन्स के ऊपर ही ध्यान देने वाला हूँ। और ये जो लोग गाइस कंप्लेंट कर रहे हैं ना लैक ऑफ लेबर, इसके लिए आई थिंक मुझे थोड़े से और रेजिडेंशियल एरिया बनाने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो अपना ग्रिड है इसको गाइस थोड़ा सा ना मैं एक्सटेंड कर दूँ। ये मैंने गाइस यहाँ पे एक और ग्रिड बना दिया ताकि मैं यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एरिया और बना सकूँ। मीडियम डेंसिटी रॉ हाउसिंग वाला गाइस टैब अनलॉक हो चुका है, तो एक काम करते फिर इधर ना मीडियम डेंसिटी वाला रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं। देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग्स बनेगी मे बी मेरे हिसाब से। और हॉस्पिटल के साइड में नहीं बनाते कोई एरिया, उसको खाली रखते हैं। और कमर्शियल एरिया भी थोड़ा सा फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इधर थोड़ा सा कमर्शियल एरिया चाहिए एंड थोड़ा सा और रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे बनाते। तो मैंने गाइस थोड़े से यहाँ पे और रेजिडेंशियल एरियाज मार्क कर दिए। और इधर का जो घर रहेंगे वो आई थिंक थोड़े से बड़े रहेंगे। लुकिंग फॉर अ जॉब, ओ केमिकल क्लोर का एक ट्वीट आया है, अगर किसी को जॉब चाहिए आप फ्रैंकलिन स्ट्रीट में यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, जो अभी भी हमने नया यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया मार्क करा है, तो मतलब जो फैक्ट्रीज है या जो कमर्शियल एरियाज है वो लोगों को बताते भी है कि भाई यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। और जो मैंने नया रेजिडेंशियल एरिया बनाया उधर के वर्कर वहाँ पे काम करने के लिए भी जाए, मतलब चले जाएंगे जैसे वहाँ पे अपना यू नो नया रेजिडेंशियल एरिया बन जाएगा। नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके गाइज लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है। एक सेकेंड, गेम को पॉज करते हैं। हाँ यार, फैक्ट्रीज वगैरह बना दी मैंने तो गाइज अभी ना मुझे आई थिंक ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। यार ऑब्वियसली एक विंड मिल पे तो इतना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कोल पावर प्लांट लगा दे। ट्रांसफार्मर स्टेशन का तो कोई सीन नहीं है यार, एक काम करते हैं कोल पावर प्लांट ही लगाते हैं। और उसको आई थिंक मुझे स्पेसिफिक जगह पे ही बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइज यहाँ पे लगाते हैं, लगा के देखते हैं। बट यार $1,00,000 चाहिए इसके लिए, लगाना तो पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है। तो ये गाइज मैंने यहाँ पे कोल पावर प्लांट बिल्ड कर दिया और अभी आई थिंक यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी। ओ अभी मुझे इसको गाइज इससे कनेक्ट करना पड़ेगा पावर लाइन से, और पावर लाइन का कनेक्शन कहाँ से आएगा? ओके यहाँ से, ओके यहाँ से मैं पावर लाइन का कनेक्शन दे सकता हूँ। तो यहाँ से जो पावर लाइन है उसको मुझे अभी लेके जाना पड़ेगा सिटी के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस पावर लाइन को सबसे पहले यहाँ से सिटी को मैं क्या यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ? आई थिंक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ओके आई थिंक मैंने पावर लाइन को कनेक्ट कर दिया है, नहीं कनेक्ट नहीं हुई है पावर लाइन को। आई थिंक मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? आई थिंक इससे हो जाएगा। मे बी पावर लाइन को मुझे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है क्या? मे बी पावर, ये ट्रांसफार्मर के लिए कितने पैसे चाहिए? 30,000 गाइज मुझे ऐसा ही लग रहा है पावर लाइन को मुझे ट्रांसफार्मर से ही मे बी कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके फिर ये मैंने इसको ट्रांसफार्मर से भी कनेक्ट कर दिया, तो आई थिंक हाँ भाई ट्रांसफार्मर से ही कनेक्ट करना है, तभी देखो अभी ये कनेक्ट हो, मतलब कनेक्ट हो गया इसको। और इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, आई थिंक अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू सॉल्व हो गया होगा। हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू सॉल्व हो गया जैसे मैंने इसको पावर लाइन से, आई मीन इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। तो जो कोल पावर प्लांट है वहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर उसको ये जो ट्रांसफार्मर है इससे इसका पावर ना कम किया जाता है। ओके ओके समझ गया मैं, फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे और अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी लोगों को आई थिंक अभी ईजिली मिल जाएगी। एक बार देखता हूँ मैं पावर का कितना कैसा अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं आता हूँ तो हम प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं, या 21 मेगावाट का प्रोडक्शन है और कंजम्पशन 1.89 का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है। नया रेजिडेंशियल एरिया बना था वहाँ पे, देखो काफ़ी यूनिक घर बने भाई, आई मीन काफ़ी बड़े हाउसेस है और लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। कितने सारे लोग नए नए शिफ्ट हो रहे, तो अभी जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे इनकी कंप्लेंट या ख़त्म हो गई। जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे वर्कर्स नहीं है, अभी वर्कर्स वगैरह आ गए क्योंकि क्योंकि नए लोग शिफ्ट हो चुके हैं अपने ये वाले नए एरिया में। और देखो कितने सारे नए घर बन रहे हैं, और ये वाले घर थोड़े से अलग है, यू नो 2-3 मंजिला वाली इमारत है,
दिखने में भी काफी प्रीटी लग रहा है। देखा पीछे कितने प्यारे प्यारे हाउसेस है। यहाँ पे कुछ आ चुका है, ये क्या है? अभी मैं आई थिंक नई टैब्स को, ओह अभी मैं गाइस नई टैब्स को भी बाय कर सकता हूँ। 3 नई टैब्स अनलॉक हो चुकी है। वैसे कितने की है ये? इसको अगर मैं बाय करूँ तो भाई ओके 8,000 की, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक काम करते फिर, जो मैंने यहाँ पे गाइस ट्रांसफार्मर लगाया था ना, ये वाले टैब बाय करते हैं। आई थिंक मैंने इसको बाय कर लिया। अभी बाय हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक करना पड़ेगा मुझे वापस से इसको बाय। ओके परचेस हो गया। अभी गाइज ये वाली टाइल इधर की थोड़ी सी परचेस होगी। मैंने इसको इसलिए परचेस करा है ताकि ना अपना फैक्ट्री वाला एरिया मैं इधर इंक्रीज़ कर सकूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये वाला जो फैक्ट्री एरिया है वो मैं इस तरफ पूरा इंक्रीज़ कर दूंगा, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हमारे सिटी में बन सके। कमर्शियल एरियाज़ की गाइज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो गाइज मुझे थोड़े से ना कमर्शियल एरियाज़ और बनाने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कमर्शियल एरिया कहाँ पे बनाए। इधर वाला कमर्शियल लाइन आई थिंक नहीं बनाना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल के पास भी कमर्शियल एरिया नहीं चाहिए। परफेक्ट। ये गाइज मैंने यहाँ पे और थोड़ा नया एरिया बना दिया जहाँ पे अभी अपना कमर्शियल एरिया रहेगा। क्या मैं यहाँ पे हाईली डेंसिटी कमर्शियल एरिया बना सकता हूँ? वो अभी तक अनलॉक हुआ नहीं है, उसके लिए ग्रेट टाउन बनाना पड़ेगा भाई, काफ़ी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी तभी चीज़ें अनलॉक होती है। तो अभी यहाँ पे गाइज मैं नया कमर्शियल एरिया मार्क कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। ये पूरा कमर्शियल एरिया रहेगा, यू नो शॉपिंग सेंटर्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे, ताकि इधर के भी जो लोग हैं, अभी जो मैंने यहाँ पे नया रेजिडेंशियल एरिया बनाया वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए वगैरह आ सकते हैं। एंड रोड के कनेक्शंस भी वगैरह मैंने कर दिए, और ये जो ब्रिज है वो ऊपर से सीधा अपने फैक्ट्रीज़ में जाता है। वैसे फैक्ट्रीज़ में क्या चल रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ। फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे फर्नीचर प्रोड्यूस होता है, टोटल 288 टन स्टोरेज हो सकता है, मतलब काफ़ी सारा माल प्रोड्यूस हो रहा है। और ये देखो लकड़ी कितनी सारा प्रोड्यूस किए है इन्होंने, स्टिक्स फैक्ट्री है ये वाली। और अपना पावर प्लांट पे क्या हो रहा है? ये आई थिंक डिलीवरी ट्रक था, डंप ट्रक, बट यहाँ पे क्या चाहिए होता है पावर प्लांट में पता नहीं। लेट्स सी पावर प्लांट अंदर से कैसा दिखता है। और यहाँ पे एक्चुअल आवाज़ भी आ रही है, देखा इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे आवाज़ होता है भाई, बहुत सही। और ये यार सीरियसली डिटेलिंग के ऊपर ना बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। एग्जैक्टली आई थिंक ऐसा ही पावर प्लांट होता है। यहाँ से इधर से देखा ये पावर, मतलब तार जा रही है हाई वोल्टेज वाली, और इधर से पूरा घूम के अपना ये वाला जो ट्रांसफार्मर है हमने यहाँ पे लगाया उसको, और यहाँ से हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट होके सिटीज का, मतलब सिटी स्काईलाइंस के अंदर लोगों को दी जाती है। और देखते देखते पॉपुलेशन 210 लोगों की हो चुकी है। एक बार देखते बिजनेस, अभी भी हम मंथली माइनस में ही चल रहे हैं, अपना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। यार इसका ना एक्सपेंसेस मुझे अभी ना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अभी आपको मैं सिनेमैटिक व्यू दिखाने वाला हूँ। वाओ भाई क्या प्यारे नज़ारे है। ये गाड़ी आई थिंक अपने फैक्ट्रीज के अंदर जा रही है, देखते ये गाड़ी कहाँ पर जाती है। पीछे माउंटेंस भाई, ये बहुत सही प्यारा माहौल लग रहा है। ये गाड़ी डेफिनेटली किसी फैक्ट्री के अंदर ही जा रही है, मे बी कोई फैक्ट्री का मालिक होगा। ओके मे बी यही वो बंदा है, ये फैक्ट्री के अंदर वो चला गया। नेक्स्ट माइलस्टोन अनलॉक हो गया और हमको $7,00,000 और मिल गए, और दो तीन चीज़ें और नई अनलॉक हो गई है। इसमें मीडियम डेंसिटी हाउसिंग अनलॉक हो गया, टैक्सेशन अभी हम लोगों से मे बी अपने हिसाब से टैक्स वसूल कर सकते हैं। एजुकेशन भी अनलॉक हो गया, तो अभी हम एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल हाई स्कूल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक डेथ केयर लगाना है, तो डेथ केयर के लिए मैं सोच रहा हूँ ये वाला एरिया ना एकदम परफेक्ट रहेगा डेथ केयर लगाने के लिए। तो यहीं पर कहीं पर मैं डेथ केयर जल्दी से बना देता हूँ, बट उसके लिए एक स्ट्रेट रोड चाहिए मुझे, क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। तो मेरे हिसाब से इधर का जो रोड है वो मैं सीधा यहाँ से इधर तक 90 डिग्री में आ रहा है। ओके 90 डिग्री में ही आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे। ओके परफेक्ट, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रोड बन गया। एंड अभी यहाँ पे अपना सीधा एक डेथ केयर बनेगा, क्योंकि उसका एरिया काफ़ी बड़ा है तो मुझे उसके लिए लगाना पड़ेगा। परफेक्ट, इस जगह पे डेथ केयर गाइस मैंने बना दिया। एंड जस्ट लुक एट द बिल्डिंग भाई, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। वाव, एक चर्च है आई थिंक ये। एंड यहाँ पे देखा कितनी सारी ग्रेव्स है, आप यहाँ पे आके प्रे वगैरह कर सकते हो, अपने यू नो प्रियजनों को याद कर सकते हो। बीच में एक फाउंटेन है भाई, बहुत सही, बहुत दुनिया भर की बहुत सारी ग्रेव्स है। तो हमने ये डेथ केयर भी बना दिया। देखा मतलब इस बार काफ़ी बड़ा ग्रेव गार्ड है ये, पहले ना बहुत छोटा हुआ करता था। एक सेकेंड ट्रैफिक, एक सेकेंड गाइस, मैं ना इधर एक राउंड बाउट लगा देता हूँ, ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू हो रहा है। देखा ये मैंने राउंड बाउट लगा दिया, अभी ये लोगों को इसे घूम के जाना पड़ेगा जिससे कि ट्रैफिक ज़्यादा होगा नहीं। और ये वाली कार का एक बार सिनेमैटिक व्यू देखते हैं, ये कार्गो वैन है। जस्ट लुक एट दिस, क्या प्यारा ट्रक लग रहा है ये। सिग्नल पे आके ये ट्रक रुक गया, और इसने ये बे पॉप ये दुकान पे सामान आई थिंक इसने पहुँचा दिया। ओके इधर आया था वो फैक्ट्री, आई मीन वो ट्रक सामान लेके। और देखते ही देखते गाइस देखो अपना नेबरहुड क्या बढ़िया लग रहा है।
यार ये वाला नेबरहुड ना देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। आई मीन इधर के थोड़े अपने नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया था, ये वाला थोड़ा सा मीडियम डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया है। इधर की बिल्डिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है, और अभी भी कुछ कुछ घर बनना अभी भी मतलब बन ही रहे है, और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह देखो रोड के एकदम साइड वाले एरिया में पार्क करी है, तो एकदम प्यारी सिटी बनी है अपनी पहली सिटी। वैसे अभी तक मैंने इस सिटी को कोई नाम दिया नहीं है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे इस सिटी को कौन सा नाम देना चाहिए। और अभी यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल डिमांड गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं यहाँ पे ना ये वाला जो पार्ट है और इधर का पार्ट हम ये पूरा इसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, कुछ नई इंडस्ट्रीज बनाएंगे, और अभी ये स्कूल की टैब्स वगैरह भी अनलॉक हुई है। सो नेक्स्ट एपिसोड में मैं स्कूल्स बनाऊंगा और नई इंडस्ट्रीज भी बनाऊंगा जहाँ पे हम ये वाला पूरा यू नो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे थोड़ी सी। सो गेमर्स आज के सिटी स्काइलाइंस के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय गेमर्स।